आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। ट्रेन की बोगी में अचानक आग लग जाती है। ट्रेन की बोगी में आग लगने की खबर से हड़कंप मच जाता है। आनंद फानंद में रेलवे दुर्घटना राहत टीम मौके पर पहुंचती है। राहत बचाव कार्य भी शुरू किया गया। ट्रेन की बोगी में आग लगती है, हड़कंप मच जाता है। रेल प्रशासन के साथ साथ रेलवे सुरक्षा एजेंसियों और जिला पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच जाता है। आनंद फानंद में दमकल की गाड़ियां मौके पर भेजी जाती है। आप देख सकते हैं ये ट्रेन की वो बोगी है जिसके अंदर आग लगी हुई है और दमकल कर्मी लगातार इस आग को बुझाने में लगे हुए हैं। देख सकते हैं कि किस तरीके से आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। चलती ट्रेन के अंदर बोगी के अंदर आग लग गई और पूरी बोगी आग की लपटों में घिर गई। बाकी सभी लोग यहां खड़े हो, ध्यान दें जो रेस्पोंडर्स हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार आग को बुझाने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है और जो दमकल कर्मी गाड़ी के अंदर मौजूद है, आप देख सकते हैं कि लगातार लोग आग को बुझाने में लगे हुए हैं और दमकल कर्मी भी गाड़ी के अंदर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से ट्रेन की बोगी से धुएं का गुबार निकल रहा है। ट्रेन की बोगी के अंदर आग की लपटें हैं। तमाम यात्री फंसे हुए हैं और दमकल कर्मी आग को बुझाने में जुटे हैं। जैसे ये खबर फैली अफरा तफरी मच गई। आनंद फानंद में दमकल की टीम आग को बुझाने में जुट गई। मामला ट्रेन की बोगी के अंदर आग लगने का था, लिहाजा एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई, रेलवे दुर्घटना राहत की टीम पहुंच गई, आरपीएफ की टीम पहुंच गई, जीआरपी की टीम पहुंच गई, मेडिकल टीम पहुंच गई, क्षेत्र बजाजा की टीम पहुंच गई, जिला पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जीआरपी की टीम भी मौके पर थी। सभी राहत और बचाव कार्य में जुट गए। किस तरीके से लोगों को बोगी के अंदर से बाहर निकाला जाए, इसी काम में सभी लोग जुट गए। एक एक कर लोगों को बाहर निकाला गया। ट्रेन की बोगी काटी गई, उसके बाद ट्रेन की बोगी में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। एम्बुलेंस सर्विसेज वाले फायर ब्रिगेड दरअसल आगरा कैंट सिकयार्ड में मॉकड्रिल की गई। अपर मंडल रेल प्रबंधक सहित तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद थे। एनडीआरएफ की टीम के साथ मॉक ड्रिल की गई। किस तरीके से रेल हादसे के दौरान एनडीआरएफ की टीम काम करती है, किस तरीके से दुर्घटना राहत टीम काम करती है, किस तरीके से आरपीएफ की टीम, जीआरपी की टीम और मेडिकल की टीम काम करती है, किसको क्या काम करना है, ये सब कुछ मॉक ड्रिल के माध्यम से परखा गया। देखिए, जब कभी भी कोई गंभीर प्रकार की दुर्घटना होती है तो हमारे बहुत सारी एजेंसियां हैं जिनको एक साथ मिल के काम करना होता है, जिसमें नेशनल डिजास्टर के लिए बड़े दुर्घटनाओं में सबसे जो अग्रिम एजेंसी है वो एनडीआरएफ है। उसके बाद जो रेलवे की टेक्निकल टीम है, जो रेलवे के सारे एक्सीडेंट स्पेसिफिक रहती है वो टीम, और उसके साथ ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट अभिन्न अंग हमारे जो स्टेट सर्विसेज के हैं, पुलिस के, फायर के और जनरल प्रशासन के जो टीमें होती हैं, इस तरह के गंभीर दुर्घटनाओं में उनको एक साथ मिलकर काम करना होता है, जिससे कि मैक्सिमम रिलीफ क्विक टाइम में पहुंचाया जा सके, जल्दी और इफ़ेक्टिव रिलीफ पहुंचाया जा सके विक्टिम्स को। तो उसी के तहत यहां पर एक लाइव वर्क चल रहा है। एनडीआरएफ की टीम ने सीखा, कुछ आरपीएफ की टीम ने सीखा, जीआरपी की टीम ने सीखा, दुर्घटना राहत की टीम ने सीखा, मेडिकल की टीम ने सीखा, फायर विभाग की टीम ने भी सीखा कि जिस समय हालात बिगड़े उस दौरान क्या कुछ करना है, किसको क्या करना है, किस तरीके से करना है। सबका अपना अपना अनुभव था, यही वजह थी कि सबके अनुभव को साझा किया गया, बेहतर तरीका अपनाया गया। किस तरीके से एनडीआरएफ की टीम हादसों के दौरान काम करती है, इस बात को मॉकड्रिल के दौरान दिखाया गया। सबसे पहले एक डिब्बे में आग लगाई गई जिसे फायर ब्रिगेड द्वारा समय से बुझाया गया। उसके बाद एनडीआरएफ की टीम ने अपना रिस्पॉन्स शुरू किया और आरपीएफ ने एक सिक्योरिटी प्रोवाइड की जिससे अननेसेसरी लोग, वो लोग जिनकी वहाँ आवश्यकता ना हो वो ना पहुँचें, और जो सरफेस विक्टिम्स थे,
जो विक्टिम्स बैडली क्रश कोच में नहीं होते, सरफेस विक्टिम्स बोलते हैं, जिनको आसानी से निकाला जा सकता है, तो फायर सर्विसेज द्वारा और आरपीएफ के जवानों द्वारा सिखाए गए तरीके से उनको निकाला गया। उसके बाद जो एनडीआरएफ की टीम ने उन विक्टिम्स को निकाला जो कोच में बुरी तरह से दबे हुए थे। तरीका भले ही लोगों का अलग हो, तरीका भले ही टीमों का अलग हो, लेकिन मकसद एक था, मकसद लोगों को बचाना था। इसके लिए प्रॉपर हम लोगों ने एक्सरसाइज किया है, जैसे कि कल टेबल टॉप एक्सरसाइज किया था, जिसमें जितने भी डिग्निटरीज थे जो अलग अलग डिपार्टमेंट को होल्ड कर रहे हैं, वो सभी उन सभी ने आपस में संवाद किया था, जिससे सभी को एक दूसरे के काम के बारे में बेहतर समझ हो सकी, और उसी चीज़ का ये इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है। इससे ये इस एक्सरसाइज का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हम कम से कम समय पे इस इमरजेंसी सिचुएशन को डील कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा कि मेडिकल वैन बहुत ही तेज़ी से आई, जैसे ही एक्सीडेंट के बारे में जानकारी मिली आरपीएफ तुरंत साइट पे आके कॉर्डनिंग कर लिया, उसने बैरिकेटिंग कर दिया और बाहर के लोगों को अंदर आने से रोक रहे हैं, और जो भी मदद मुहैया कराया जा सकता है वो करवाने की कोशिश की जा रही है। एनडीआरएफ की 60 से ज़्यादा टीम यहाँ पे उपलब्ध है इस समय, जो कि पैसेंजर्स के रेस्क्यू का काम कर रही है और जितना जल्दी हो सके इस इमरजेंसी सिचुएशन को ईज आउट कर सकें, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। मॉकड्रिल के दौरान तमाम सारी व्यवस्थाओं को परखा गया, तमाम उपकरणों का इस्तेमाल किया गया, हालात उस समय क्या कह रहे हैं इस पर भी पूरा ध्यान रखा गया, क्योंकि हालातों के हिसाब से ही हादसों के दौरान काम करना होता है। दरअसल ये सब मॉकड्रिल का एक हिस्सा है, हादसे के दौरान या रेल हादसा होता है या कोई और हादसा होता है, किस तरीके से उस समय काम किया जाए, लोगों को राहत पहुंचाई जाए, सबसे पहले हादसे के दौरान फंसे लोगों को बाहर निकालने या उन्हें राहत देने का काम किया जाता है। एनडीआरएफ के साथ रेलवे की टीम ने मॉकड्रिल की, मॉकड्रिल के माध्यम से इस बात को पता गया यदि किसी ट्रेन के अंदर आग लग जाती है, यात्री फंसे रहते हैं, तो किस तरीके से वहां पर काम करना है, कौन सी टीम को क्या काम करना, कितनी जल्दी लोगों को राहत पहुंचाई जाए, जो लोग फंसे हैं यात्री फंसे हैं उनको कितनी जल्दी राहत पहुंचाई जाए, इस मॉकड्रिल के माध्यम से परखा गया। मॉकड्रिल के माध्यम से इस बात का भी अनुभव मिलता है कि किस तरीके से टीमें काम करती हैं और किस तरीके से कहां पर क्या काम लोगों को करना है। यही वजह है कि समय समय पर मॉकड्रिल की जाती है, जिससे आम लोगों को भी इस बात का पता चल सके कि आखिर किस तरीके से टीमें काम करती हैं और संकट के समय में उन लोगों की भी क्या भूमिका रह सकती है। यही वजह है कि एनडीआरएफ और रेलवे की टीम के साथ मॉकड्रिल किया गया और तमाम सारी व्यवस्थाओं को परखा गया। अपने साथी अखिलेश दुबे के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज़ आगरा।